फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। लास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग ई वे बिल स्टार्ट किए थे, जो कि सेक्शन 68 में था विथ फोर रूल्स 138 से लेके 138 डी तक। ठीक है, तो हम लोगों ने ओवरऑल चीजें कवर अप कर ली थी फ्रेंड्स। ई वे बिल क्या होता है, कौन जनरेट करता है, ई वे बिल के बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, इसके लूपहोल्स क्या थे, कैसे टैक्स इवेजन होते थे पहले, ठीक है, ये सब चीज हम लोगों ने देखा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कौन इशू कर सकता है, ठीक है, जो पर्सन मूवमेंट कॉज कर रहा है उसको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत है, लेकिन वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपका सप्लाई रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर रिसिपिएंट को ई वे बिल जनरेट करनी पड़ती है। ठीक है, और ये डिम किया जाता है कि जो रिसिपिएंट है उसी ने मूवमेंट करवाया है गुड्स का। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी। फिर हम लोगों ने पढ़ी थी जो फॉर्म है वो है जीएसटी EWB-01 वाला, जिसका दो पार्ट रहता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कंसाइनमेंट वैल्यू होता है वो मोर देन 50,000 होनी चाहिए, तभी ईडब्ल्यूबी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दो केसेस थे जहां पे अगर 50,000 से कम है तब भी आपको ईडब्ल्यूबी इशू करने की जरूरत है। ठीक है, तो दोनों ही इंटरस्टेट वाला चीज था कि अगर प्रिंसिपल जॉब वर्कर को दे रहा है, इंटरस्टेट है तो कंपल्सरी था। एंड हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाला था कि अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो टैक्स इनवॉइस जरूरी नहीं है अप टू टर्नओवर लिमिट तक, बिकॉज आप रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्टेड हो अप टू टर्नओवर लिमिट इन केस ऑफ सप्लाइंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, लेकिन आपको ई वे बिल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला चीज हमने कवर अप किया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर करेगा, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट करेगा, एंड ट्रांसपोर्टर अगर रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में तो फिर उसे ईडब्ल्यूबी पोर्टल में अपने आप को एनरोल करवाना पड़ेगा पार्ट बी जनरेट करने के लिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन ई वे बिल। ठीक है, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे पार्ट ए क्या है, पार्ट बी क्या है। ठीक है, मैंने तो ये तो बोल दिया कि पार्ट ए जो है वो सप्लायर करेगा, मतलब जो पर्सन मूवमेंट कॉज करवा रहा है वो करेगा, एंड जो पार्ट बी है वो ट्रांसपोर्टर करेगा। आज हम लोग देखेंगे पार्ट ए में क्या होता है एंड पार्ट बी में क्या होता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन ई वे बिल। देखो, एन ई वे बिल फॉर्म जीएसटी EWB-01 कंटेन्स टू पार्ट्स। ठीक है, दो पार्ट रहते हैं। पार्ट ए कंप्राइजिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ जीएसटी आईएन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट। ठीक है, पार्ट ए में क्या रहेगा फ्रेंड्स, पार्ट ए जो है आपका वो पर्सन फिलअप कर रहा है जो कि आपका मूवमेंट करवा रहा है। सपोज मैं सप्लायर हूँ, मैं मूवमेंट करवा रही हूँ, तो मुझे क्या डिटेल्स देनी पड़ेगी पार्ट ए में, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जीएसटी आईएन, मेरे रिसिपिएंट का जीएसटी आईएन। ठीक है, गुड्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मूवमेंट कहाँ पे एंड होगा, एंड गुड्स का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो रूट क्या होगा। ठीक है, क्वांटिटी क्या है एंड गुड्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये सब चीज मुझे पार्ट ए में देनी पड़ेगी। क्लियर है? देखो, डॉक्यूमेंट्स, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, ऑफकोर्स उसके साथ जो गुड्स का जो वैल्यू होगा वो इधर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की इस पे बिल ऑफ एंट्री रहता है। ठीक है, बिल ऑफ एंट्री हो गया, डिलीवरी चालान हो गया, ये सब चीज तो रहेगा ही। वैल्यू ऑफ द गुड्स रहेगा, गुड्स का HSN कोड रहेगा, एंड रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का रीजन क्या है, सप्लाई है या फिर अदर देन सप्लाई है। क्योंकि मैंने बोला था जो आपका ई वे बिल है वो सप्लाई के लिए जनरेट नहीं होती, मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए जरूरी होती है। तो आपका जो गुड्स मूव हो रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट मूवमेंट, वेदर इट इज सप्लाई और स्टोरेज और एनी अदर रीजन, आपको वो रीजन मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, टू बी फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सेडिंग 50,000 एंड। ठीक है, ये तो हो गया पार्ट ए फिलअप, जो पर्सन मूवमेंट कॉज करवा रहा है उसको करनी पड़ेगी। क्लियर है? अभी देखो पार्ट बी, ट्रांसपोर्ट का डिटेल्स। ठीक है, पार्ट बी जो है उस पे रहता है ट्रांसपोर्ट का डिटेल्स, जो कि ट्रांसपोर्टर फिलअप करेगा, उसको कोई भी सप्लायर नहीं कर सकता है, रिसिपिएंट नहीं कर सकता है, ट्रांसपोर्टर का जो काम है वो ट्रांसपोर्टर को ही करना पड़ेगा। आगे जाके आप देखोगे कि जो पार्ट ए है वो अगर सिचुएशन डिमांड्स, इफ द सिचुएशन डिमांड्स, ट्रांसपोर्टर कर सकता है। अगर आपका सप्लायर ऑथराइज कर दे, रिसिपिएंट ऑथराइज कर दे, तो ट्रांसपोर्टर पार्ट ए भी कर सकता है, लेकिन ट्रांसपोर्टर का काम कोई भी सप्लायर रिसिपिएंट नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्टर का काम ट्रांसपोर्टर को ही करना पड़ेगा। ठीक है, पार्ट बी का होता है ट्रांसपोर्टर का डिटेल्स, ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है, गुड्स एंड रिसिप्ट नंबर, रेलवे रिसिप्ट नंबर, एयरवे बिल नंबर और बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, एयर से भी हो सकता है, वेसल से भी हो सकता है, तो आपको वो सब नंबर देने पड़ेंगे। आपका जो व्हीकल नंबर है वो व्हीकल नंबर देना पड़ेगा। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय रोड टू बी फर्निश्ड बाय द पर्सन हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। ठीक है, फिर बोला
However, information in part A may be furnished by the transporter. मैंने बोला ना, आपका जो part A का जो information है, वो transporter भी दे सकता है. On an authorization received from such registered person. ठीक है, अगर वो authorize कर दे, तो transporter भी कर सकता है. और कौन कर सकता है? E-commerce operator भी कर सकता है, या फिर courier agency वाला भी कर सकता है. Where the goods to be transported are supplied through such an e-commerce operator or a courier agency on an authorization received from the consigner. ठीक है, अगर consigner authorize दे देता है, तो transporter भी part A fill up कर सकता है, e-com operator भी कर सकता है, या फिर courier agency भी कर सकता है, जब goods उनके through transport हो रही है. लेकिन authorization जरूरी है. क्लियर है ये चीज? अभी देखो, अभी बोला हु इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल. ठीक है, अभी फिर से वही चीज दिया है. मैंडेटरी किसको है? जिसका कंसाइनमेंट का वैल्यू मोर देन 50,000 है, वो तो मैंडेटरी था. ठीक है, जिसका कंसाइनमेंट का वैल्यू 50,000 से कम है, लेकिन इंटरस्टेट सप्लाई है, इंटरस्टेट मूवमेंट है, आई एम वेरी सॉरी, इंटरस्टेट मूवमेंट है, आइदर प्रिंसिपल टू एजेंट है, या फिर हैंडीकैप गुड्स वाला चीज है. ठीक है, या फिर एक चीज और दे दिया, अगर आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रही है बाय रेलवे, एयर और वेसल. ठीक है, अगर रोड से जा रही है तो फिर तो ठीक है, 50,000 वाला लिमिट हम लोग देखेंगे. लेकिन अगर आपकी गुड्स रेलवे से जा रही है, एयर से जा रही है, फिर वेसल से जा रही है, वाटर से जा रही है, तो फिर आपको कंपलसरी ई वे बिल जनरेट करनी पड़ेगी, भले ही आपके गुड्स कंसाइनमेंट का वैल्यू 1 रुपए भी हो. लेकिन यहाँ पे नीचे एक एक्सेप्शन दे दिया फ्रेंड्स, कि अगर आपकी गुड्स रेलवे से जा रही है, ठीक है, रेलवे से ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो जब गुड्स मूवमेंट हो रहा है ना, जब स्टार्ट हुआ, तब आपको ई वे बिल की जरूरत नहीं है, तब आप इनवॉइस के जरिए गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. लेकिन जब डिलीवरी होगी, डिपार्टमेंट आपको डिलीवरी नहीं देगा अनलेस एंड अंटिल यू हैव द ई वे बिल. जब तक आप ई वे बिल शो नहीं करेंगे, तब तक वो डिलीवरी नहीं देगा रेलवे के केस में. ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है. देखो यहाँ पे दिया है, वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे, देर इज नो रिक्वायरमेंट टू कैरी ई वे बिल अलोंग विद द गुड्स. ठीक है, गुड्स के साथ साथ आपको ई वे बिल लेके जाने की जरूरत नहीं है. बट रेलवे हैज टू कैरी इनवॉइस और डिलीवरी चलान और बिल ऑफ सप्लाई एज द केस मे बी अलोंग विद द गुड्स. फर्दर, ई वे बिल जनरेटेड फॉर द मूवमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स. जब गुड्स डिलीवरी होगी, तब आपको ई वे बिल देनी पड़ेगी. ठीक है, रेलवे शैल नॉट डिलीवर गुड्स अनलेस द ई वे बिल रिक्वायर्ड अंडर रूल इज प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. क्लियर है? फिर क्या बोला, द रजिस्टर्ड पर्सन और द ट्रांसपोर्टर में एट हिज ऑप्शन जनरेट एंड कैरी द ई वे बिल इवन इफ द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट इज लेस देन 50,000. ये मैंने कल भी बोल दिया था कि अगर वैल्यू 50,000 से कम है, तो कंपल्सन तो नहीं है ऑफकोर्स प्रोविजन के अंदर कि आपको ई वे बिल जनरेट करनी पड़ेगी, लेकिन आप वॉलंटरीली जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, वेयर द मूवमेंट इज कॉस्ड बाय एन अनऑथराइज पर्सन इधर इन हिज ओन कन्वीनियंस और ए हायर्ड वन और थ्रू ए ट्रांसपोर्टर, ही और द ट्रांसपोर्टर में एट देयर ऑप्शन जनरेट द ई वे बिल. ठीक है, एंड फिर बोला अनरजिस्टर्ड से अगर रजिस्टर्ड है, तो फिर रिसिपिएंट को करनी पड़ेगी, ये डीम्ड किया जाएगा कि जो मूवमेंट है वो रिसिपिएंट ने करवाया है. ठीक है, व्हेन इज इट नॉट मैंडेटरी टू फर्निश डिटेल्स ऑफ कन्वीनियंस इन पार्ट बी. ऐसे कौन से केसेस है जहाँ पे पार्ट बी का इन्फॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है? ठीक है, वो क्या होता है ना, अगर आपकी गुड्स इंटरस्टेट का बात तो छोड़ दीजिए, अगर इंट्रा स्टेट है, ठीक है, विद इन द स्टेट है, मैं ओडिशा से हूँ, ओडिशा से मैंने ओडिशा के अंदर ही गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाया है, एंड आई एम द ट्रांसपोर्टर, आई एम नॉट द सप्लायर. सप्लायर को तो पार्ट ए करना ही पड़ेगा. ठीक है, पार्ट बी का बात चल रहा है, जो ट्रांसपोर्टर का रिक्वायरमेंट होता है, जो ट्रांसपोर्टर डिटेल्स होता है, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है विद इन द स्टेट, एंड जो डिस्टेंस है ना, जैसे कि मेरे यहाँ से गुड्स निकला आपके घर तक पहुंचा, ये जो डिस्टेंस है, अगर ये अप टू 50 किलोमीटर से, मतलब जो गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट शुड बी विद इन 50 किलोमीटर. ठीक है, जो गुड्स मूवमेंट हुआ है ट्रक में, अगर वो 50 किलोमीटर के अंदर है, तो फिर ट्रांसपोर्टर को पार्ट बी फिलअप करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, वही चीज दिया गया है. देखिए, ई वे बिल इज वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रोड ओनली व्हेन द इन्फॉर्मेशन इन पार्ट बी इज फर्निश्ड. ठीक है, ई वे बिल को वैलिड तब माना जाता है जब पार्ट बी फर्निश्ड हो. हाउएवर, डिटेल्स ऑफ कन्वीनियंस मे नॉट बी फर्निश्ड इन पार्ट बी ऑफ द ई वे बिल वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर अ डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर विद इन द स्टेट ऑफ टेरिटरी. ठीक है, अगर विद इन द स्टेट ऑफ टेरिटरी अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर जरूरत नहीं है अगर वो 50 किलोमीटर के अंदर है.
फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मेरे प्लेस से ट्रांसपोर्टर के प्लेस तक एंड वहां से लेके कंसाइनी के प्लेस तक जो मेरा टोटल मूवमेंट होगा गुड्स का वो 50 किलोमीटर ही होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए यूनिक ई वे बिल नंबर। अपन जनरेशन ऑफ ई वे बिल ऑन द कॉमन पोर्टल एंड यूनिक ई वे बिल शैल बी मेड अवेलेबल टू द सप्लायर द रिसिपिएंट एंड द ट्रांसपोर्टर ऑन द कॉमन पोर्टल। सब कुछ गुड्स भी नहीं है, इजी है। देखो अभी आया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो की है ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वीनियंस टू अनदर। ठीक है, एक कन्वीनियंस से दूसरे कन्वीनियंस पे गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो गया तब क्या करोगे, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आते हैं। आइए मैं कॉपी से पढ़ाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, दिस इज द सिचुएशन। देखिए मोर देन वन कन्वीनियंस है, ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम वन कन्वीनियंस टू अनदर। एक्चुअली क्या हुआ, देखो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो क्या हुआ, मुझे आपको गुड्स देना था। ठीक है, सपोज मैं ओडिशा में हूँ एंड आप कोलकाता में हो, मुझे आपको गुड्स देने थे। कुछ रीजन की वजह से मैंने आपको कहा कि देखिए भैया आपका गुड्स डायरेक्ट कोलकाता नहीं जा सकता। ठीक है, मैं यहाँ से भेजूंगी छत्तीसगढ़, ठीक है, एंड छत्तीसगढ़ से फिर आपको कोलकाता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बोला कि छत्तीसगढ़ जाएगा, वहां पे अनलोड होगा, फिर दूसरे ट्रक में लोड होके आपके पास कोलकाता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो ट्रक इन्वॉल्व हो गए, दो कन्वेंस इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ पे बोला गया क्या मुझे मोर देन वन ई वे बिल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कन्वीनियंस तो हो गया, मूवमेंट दो बार होगा, यहाँ से एक बार जाएगा छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ से जाएगा कोलकाता। ठीक है, तो वहां पे बोला गया, वहां पे दो ट्रांसपोर्टर आ गए, एक तो मेरा वाला मेरे से जहाँ छत्तीसगढ़ तक गया एक ट्रांसपोर्टर, फिर छत्तीसगढ़ से कोलकाता ट्रांसपोर्टर नंबर टू। तो क्या दोनों ट्रांसपोर्टर को दो बार ई वे बिल जनरेट करनी पड़ेगी? तो बोला गया फ्रेंड्स नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो सप्लायर है, ठीक है, मैंने सप्लाई किया, मैंने पार्टी जनरेट कर दिया एंड मेरा जो ट्रांसपोर्टर वन था जो छत्तीसगढ़ तक लेके जाएगा वो पार्ट बी जनरेट करेगा। ठीक है, ई वे EWP01 जनरेट हो गया। अभी जब वो कोलकाता वाला जो ट्रांसपोर्टर है उसको जो हैंडओवर करेगा वो EWP1 उसको हैंडओवर कर देगा। अब जो दूसरा ट्रांसपोर्टर है वो क्या करेगा, अपना व्हीकल नंबर वगैरह अपडेट कर देगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आपको जान के खुशी होगी कि जो EWP01 है ना उस पे आप एन नंबर ऑफ टाइम्स अपना व्हीकल नंबर चेंज कर सकते हैं, वहां पे कोई भी लिमिट नहीं है। आप अगर 100 बार आपका कन्वीनियंस बदले तो भी आप व्हीकल नंबर अपडेट कर सकते हैं एन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, आई एम फ्रॉम उड़ीसा। ठीक है, मुझे गुड शुड हैव बीन ट्रांसपोर्ट कहा था, कोलकाता में ट्रांसफर होने वाला था, लेकिन मैंने बोला ये हुआ ट्रांसपोर्टर वन। ठीक है, ट्रांसपोर्टर वन से मैंने छत्तीसगढ़ तक भेज दिया एंड वहां से कन्वेंस चेंज होकर ट्रांसपोर्टर टू क्या क्या कोलकाता तक माल ले गया। ठीक है, यहाँ पे बोला गया वन ई वे बिल इज रिक्वायर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ट्रांसपोर्टर तो दो हो गए, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर हो गया, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर हो गया, लेकिन आपका जो ई वे बिल है फ्रेंड्स, ई वे बिल एक ही जनरेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बोला गया है। देखिए पार्ट ए जो है वो कौन फिलअप करेगा, कंसाइनर करेगा, पार्ट बी जो है वो ट्रांसपोर्टर वन फिलअप करेगा। ठीक है, एक बार EWP01 जनरेट हो गया उसके बाद ट्रांसपोर्टर वन क्या करेगा, ट्रांसपोर्टर टू को EWP01 हैंड ओवर कर देगा जब वो गुड्स लोड होगा ट्रांसपोर्टर टू के व्हीकल में। ठीक है, हैंड ओवर कर देगा। नाउ ट्रांसपोर्टर टू क्या करेगा, उसको अपडेट करेगा। ठीक है, EWP01 को अपडेट कर देगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड वही EWP1 उसका इफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, अभी बुक से देखो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वही बोला है ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वीनियंस टू अनदर। ठीक है, फॉर द गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कन्वीनियंस टू अनदर द कंसाइनर और द रिसिपिएंट हु हैज प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन इन पार्ट ए और द ट्रांसपोर्टर शैल बिफोर सच ट्रांसफर एंड फर्दर मूवमेंट ऑफ गुड्स अपडेट द डिटेल्स ऑफ कन्वीनियंस इन पार्ट बी ऑफ द ई वे बिल ऑन द कॉमन पोर्टल। उसको बस अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है, द कंसाइनर हु हैज फर्निश्ड द इन्फॉर्मेशन इन पार्ट ए और द ट्रांसपोर्टर में असाइन द ई वे बिल नंबर टू अनदर रजिस्टर्ड एनरोल्ड ट्रांसपोर्टर फॉर अपडेटिंग द इन्फॉर्मेशन इन पार्ट बी फॉर फर्दर मूवमेंट ऑफ द कंसाइनमेंट। ठीक है, हाउएवर वंस द डिटेल्स ऑफ द कन्वीनियंस हैव बीन अपडेटेड बाय द ट्रांसपोर्टर इन पार्ट बी द कंसाइनर और द रिसिपिएंट एज द केस मे बी हु हैज फर्निश्ड द इन्फॉर्मेशन इन पार्ट बी पार्ट ए शैल नॉट बी अलाउड टू असाइन द ई वे बिल नंबर टू अनदर ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल दिया है, पढ़ लो एक बार। वैसे तो मैंने बता दिया है, ए कंसाइनर इज रिक्वायर्ड टू मूव गुड्स फ्रॉम सिटी एक्स टू सिटी जेड। ही अपॉइंट्स ट्रांसपोर्टर ए फॉर मूवमेंट ऑफ हिज गुड्स।
Transporter A moves the goods from city X to city Y. For completing the movement of goods, that is from city Y to city Z, transporter A now hands over the goods to transporter B. Thereafter, the goods are moved to the destination, that is from city Y to city Z by transporter B. ठीक है, एक्स से जेड तक जाना है, लेकिन पहले एक्स से वाई जाएगा एंड देन वाई से जेड जाएगा, तो दो ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व हो गए. ठीक है, इन सच सिनेरियो ओनली वन ईवे बिल वुड बी रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ईवे बिल कितनी जरूरत होगी, एक ही जरूरत होगी. पार्ट ए कैन बी फिल्ड बाय द कंसाइनर एंड देन द ईवे बिल विल बी असाइंड बाय द कंसाइनर टू द ट्रांसपोर्टर ए. ट्रांसपोर्टर ए विल फिल द व्हीकल डिटेल्स एटसेट्रा इन पार्ट बी एंड विल मूव द गुड्स फ्रॉम सिटी एक्स टू वाई. ठीक है, पहला वाला तो नॉर्मल होगा, पार्ट ए सप्लायर फिलअप कर दिया एंड पार्ट बी जो है ट्रांसपोर्टर वन फिलअप करके गुड्स को मूव कर दिया. ऑन रीचिंग सिटी वाई, ट्रांसपोर्टर ए विल असाइन द सेट ईवे बिल टू द ट्रांसपोर्टर बी. ठीक है, अभी ट्रांसपोर्टर ए क्या कर देगा, उसको हैंड ओवर कर देगा ट्रांसपोर्टर बी को ईवे बिल. देयर आफ्टर ट्रांसपोर्टर बी विल बी एबल टू अपडेट द डिटेल्स ऑफ पार्ट बी. ट्रांसपोर्टर बी विल फिल द डिटेल्स ऑफ हिज व्हीकल एंड मूव द गुड्स फ्रॉम सिटी वाई टू सिटी जेड. एक ही ईवे बिल जरूरत होगी बट कुछ अपडेट रिक्वायर होगी जो कि ट्रांसपोर्टर बी अपडेट कर देगा, अपना व्हीकल नंबर वगैरह. ठीक है, अभी देखिए द नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि क्लॉज 7 बोलता है, कंसोलिडेटेड ईवे बिल. ठीक है, फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 02. ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस. ठीक है, डे के एंड में, मंथ के एंड में हम लोग कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाते थे, वैसे कंसोलिडेटेड ईवे बिल बन सकती है क्या? फ्रेंड्स देखो क्या होता है, सपोज एक ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, उसका बहुत बड़ा ट्रक है. ठीक है, एंड 8-10 कंसाइनर का वो क्या कर रहा है, गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है. छोटे छोटे कंसाइनर है, जैसे कि मेरा 10 बैग सीमेंट गया, ठीक है, किसी और का 10 कार्टून ग्रोसरी का सामान चला गया, किसी और का फैंसी का सामान चला गया, कॉस्मेटिक आइटम्स. ठीक है, तो क्या करता है, 8-10 छोटे छोटे कंसाइनर का गुड्स क्या करता है, एक ही ट्रक में 8-10 कस्टमर को देता है. ठीक है, तो अभी जो सप्लायर है वो तो डिफरेंट डिफरेंट ईडब्ल्यूबी जनरेट करके देंगे उसको. ठीक है, अभी सपोज 5 कंसाइनर है, तो 5 कंसाइनर को डिफरेंट 5 ईडब्ल्यूबी 1 देंगे. ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्टर तो एक है. ठीक है, तो उसको पार्ट बी भी डिफरेंट डिफरेंट जनरेट करनी पड़ेगी डिफरेंट डिफरेंट कंसाइनर के लिए. ठीक है, उस केस पे बोला गया है कि इतना झमेला ना करके वो कंसोलिडेटेड ईडब्ल्यूबी जनरेट कर सकता है, उसको बोलेंगे जीएसटी ईडब्ल्यूबी 02. ठीक है, तो वही चीज दिया है, आई एक एग्जांपल देती हूँ फिर पढ़ेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कंसोलिडेटेड ईवे बिल. देखिए, इफ ए ट्रांसपोर्टर कैरीज गुड्स ऑफ मोर देन वन कंसाइनर एंड फॉर मोर देन वन कस्टमर. ठीक है, मोर देन वन कंसाइनर का वो गुड्स लेके जा रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टर एक ही है, ट्रक जो ट्रांसपोर्ट का कन्वेंस है वो एक ही है. ठीक है, देखो कंसाइनर मोर देन 5, सपोज 5 से ज्यादा या फिर 5 कंसाइनर है. ठीक है, कन्वेंस तो एक ही है, ट्रांसपोर्टर एक ही है, कैरिंग गुड्स ऑफ ऑल दी कंसाइनर, सारे कंसाइनर का गुड्स तो एक ही साथ लेके जा रहा है, कस्टमर भी मोर देन 5 है, जितने कंसाइनर है उनके रिस्पेक्टिव कस्टमर है. इस केस पे क्या होगा, जो आपका ट्रांसपोर्टर है उसको डिफरेंट इनवॉइसेस की, डिफरेंट ईवे बिल की जरूरत नहीं है, वो कंसोलिडेटेड ईवे बिल जनरेट कर सकता है जीएसटी ईडब्ल्यूबी 02 में. उसको क्या करना पड़ता है, जीएसटी ईडब्ल्यूबी 02 में जो डिफरेंट कंसाइनर ने ये ईडब्ल्यू 1 दिया होगा ना पार्ट ए, उसका डिटेल्स उसको यहाँ पे देगा वो, डिफरेंट कंसाइनर का जितने भी होंगे एंड वो ईडब्ल्यूबी 02 जनरेट करेगा. ठीक है, एंड वो एक ही ट्रांसपोर्टर के लिए काफी है. ट्रांसपोर्टर कैन कैरी वन डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ ऑल सेपरेट इनवॉइसेस. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इनवॉइसेस नहीं लेके वो एक ही इनवॉइस कैरी कर सकता है. बट कंसोलिडेटेड ईडब्ल्यूबी हैज नो वैलिडिटी पीरियड. ये एक ही चीज है जो कि थोड़ा सा दिक्कत है, कि जो कंसोलिडेटेड ईडब्ल्यूबी बना उसका कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं रहता. ठीक, हमारा जो ईडब्ल्यूबी बनता है ना वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए वैलिड रहता है. ठीक है, ऐसे 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ के लिए वैलिड रहता है, 1 डे 2 डे आवर्स में वो वैलिड रहता है. लेकिन जो ईडब्ल्यूबी 02 है ना उसका कुछ वैलिडिटी पीरियड नहीं है. ठीक है, मतलब जो रिस्पेक्टिव कंसाइनर का ईडब्ल्यूबी 1 का जो वैलिडिटी पीरियड है ना वही वैलिडिटी पीरियड एप्लीकेबल होगा. फॉर एग्जाम्पल जो कंसाइनर 1 है उसका वैलिडिटी पीरियड 48 आवर्स है. ठीक है, तो फिर जो ट्रांसपोर्टर है उसका गुड्स को 48 आवर्स के अंदर उसको डिलीवरी देनी पड़ेगी. ठीक है, तो जो रिस्पेक्टिव ईडब्ल्यूबी 01 जो होगा उसी के रिस्पेक्टिव टाइम एप्लीकेबल हो जाएंगे ईडब्ल्यूबी 02 के गुड्स को. ठीक है, क्लियर है. कंसोलिडेटेड ईवे बिल, आफ्टर ईवे बिल हैज बीन जनरेटेड फॉर मल्टीपल कंसाइनमेंट आर इंटेंडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड इन वन कन्वीनियंस. ठीक है, एक ही कन्वीनियंस है. द ट्रांसपोर्टर में इंडिकेट द सीरियल नंबर ऑफ ईवे बिल्स जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच कंसाइनमेंट इलेक्ट्रॉनिकली
on the common portal and a consolidated e-way bill in form GST EWB 02 may be generated by him on the said common portal prior to the movement of the goods. Goods के movement से पहले वो EWB 02 generate कर सकता है. उसको बोलते हैं consolidated e-way bill. ठीक है. Consolidated e-way bill is a document containing the multiple e-way bills for multiple consignment being carried in one conveyance. ठीक है. That is, the transporter carrying multiple consignment of various consigners and consignees in a single vehicle can generate and carry a single document, that is consolidated e-way bill, instead of carrying separate document for each consignment in a conveyance. ठीक है. फिर देखो, consolidated EWB is like a trip sheet and it contains details of different e-way bill in respect of various consignment being transported in one vehicle and these e-way bill will have different validity periods. ये भी समझ में आया. सारे ईवे बिल के डिफरेंट डिफरेंट वैलिडिटी पीरियड रहेंगे. ठीक है. हेंस कंसोलिडेटेड ईडब्ल्यूबी डजंट हैव एनी इंडिपेंडेंट वैलिडिटी पीरियड. ठीक है. क्योंकि डिफरेंट ईडब्ल्यूबी आपके पास है, 01 जो है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के हैं, डिफरेंट के डिफरेंट डिफरेंट वैलिडिटी पीरियड होंगे. तो लेकिन आप सबको मिला के ईडब्ल्यूबी 02 प्रिपेयर कर रहे हो तो ईडब्ल्यूबी 02 का कोई पर्टिकुलर वैलिडिटी पीरियड नहीं होगी. ठीक है. For the individual consignment specific in the consolidated EWB should reach the destination as per the validity period of the individual EWB. Unki apne respective jo bhi validity period honge, usi validity period ke andar goods pahunchna chahiye consignee ke paas. Theek hai, clear hai? For the consigner or consignee has not generated the e-way bill in form GST EWB 01 and the aggregate of the consignment value of the goods carried in the conveyance is more than ₹50,000, the transporter, except in case of transportation of goods by railway, air vessel, shall in respect of interstate supply generate the e-way bill in form GST EWB 01 on the basis of the invoice or bill of supply or delivery challan as the case may be, and may also generate a consolidated e-way bill in form GST EWB 02 on the common portal prior to the movement of the goods. ठीक है. बट प्रोविजन ऑफ द रूल हैव नॉट येट बीन मेड इफेक्टिव. देखो, बोला गया कि अगर आपका जो कंसाइनर है अगर वो EWB 01 नहीं बनाता है तो ट्रांसपोर्टर बना सकता है, ये क्लॉज 7 में बोला गया. लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि अभी तक वो इफेक्टिव नहीं है, मतलब कंसाइनर को ही करना है, ट्रांसपोर्टर को अभी तक राइट्स नहीं है करने का जब तक वो ऑथराइज ना कर दे. ठीक है, क्लियर है? इतना तक आपको समझ में आया फ्रेंड्स? इसके बाद जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर.